फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ तुरई की दाल। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल रेसिपी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इसके लिए मैंने लिया है दो तुरई, धारी वाली तुरई है, उसके अलावा एक कटोरी रहर दाल, आप चाहो तो मूंग दाल भी ले सकते हो, एक करिया पत्ती का स्ट्रिप, धनिया पत्ती, हींग है, उसके अलावा तेल। यहाँ पे मैंने फल्ली तेल का इस्तेमाल किया, आप जो यूज़ करते हो रेगुलर उसी का इस्तेमाल करना। बारीक कटा प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, इमली, कस्तूरी मेथी, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, हल्दी, मिर्च पाउडर और तड़का लगाने के लिए जीरा सरसों। और यह है दाल। सबसे पहले मैं दाल को अच्छे से धो के प्रेशर कुकर में 2-3 विजल आते तक या अच्छे से पकते तक पका लूँगी। अब ये जो तुरई है इनका छिलका उतार के मैं काट लूँगी, बट काटने से पहले हमें कॉर्नर काट के चेक करना है कि ये कड़वा तो नहीं है, क्योंकि कोई कोई तुरई थोड़ी सी कड़वी रहती है। अब मैंने इसका छिलका उतार लिया है, इसी तरीके से छिलका उतार के इसके आप छोटे छोटे क्यूब काट के रख लेना। है पैन, उसमें मैंने डाला है 2 टीस्पून ऑयल। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा इसमें मैं डालूंगी जीरा और सरसों। मैंने कम ऑयल डाला है, आप चाहो तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हो। मैं इसे कम ऑयल में कम स्पाइस में बनाना चाहती हूँ, हेल्दी रेसिपी। अब मैंने डाला है कड़िया पत्ती जैसे क्रैकल हुआ उसके बाद मैंने इसमें डाला है हींग, 1/4 टीस्पून जितना। हींग डालने से डाइजेशन अच्छे से होता है। फिर उसके बाद मैंने डाला है बारीक कटा प्याज डाल के इसको मैंने हल्का भून लिया है। देन मैंने इसमें डाला है हरी मिर्च, मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। उसके बाद मैंने इसमें डाला है बारीक कटा टमाटर डाल के इसको हम लोग अच्छे से भून लेंगे ताकि टमाटर थोड़ा सा गल जाए। टमाटर थोड़ा सा गलते ही अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अब मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी 1/2 टीस्पून। उसके बाद मिर्च पाउडर डाल के अब हमने जो तुरई काटा था उसको मैं इसमें डाल के अच्छे से भून लूँगी। ये जो रेसिपी है बहुत जल्दी बनती है, साथ ही बहुत टेस्टी है। जनरली दाल बच्चे फीका ऐसे ही सादा खाना नहीं पसंद करते, तो तुरई या कोई भी वेजिटेबल डाल के बनाओ, वो थोड़ा सा हेल्दी भी हो जाएगा साथ ही साथ टेस्टी भी हो जाएगा। अब तुरई में मैंने नमक डाला है ताकि ये थोड़ा सा जल्दी गल जाए। अब मैं इसको ढक दे रही हूँ। अब हम लोग देखते हैं दाल। दाल को मैंने कुकर में रख के 3 विजल आते तक पका लिया था। तब तक पकाना जब तक ये थोड़ा सा नरम नहीं हो जाएगा। अब मैं इसको अच्छे से घोट ले रही हूँ। दाल को घोट के अब मैं इसको रखूँगी साइड में। मैंने दाल में थोड़ा सा नमक डाल के इसको बॉईल कर लिया था। अब हम चेक करते हैं तुरई को। तुरई काफ़ी अच्छे से गल गया है। अब मैं इसको एक बार और मिक्स करके जो इमली मैंने लिया था उसको भिगो के मैंने उसका पानी निकाल लिया। अब मैं इसको डाल रही हूँ। अगर आप इमली पसंद नहीं करते हो तो आप इसे स्किप कर सकते हो, बट इमली डालने से थोड़ा सा खट्टा चटपटा स्पाइसी अच्छा लगेगा। अब मैंने इसमें डाला है उबला हुआ घोटा हुआ दाल डाल के मैं इसको अब अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके इसमें अब मैं डाल रही हूँ नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। नमक डाल के एक बार मिक्स करके मैं इसे ढक के 5-6 मिनट तक उबलने दूंगी। ये बहुत जल्दी बन जाएगा क्योंकि तुरई भी ऑलमोस्ट पक चुका है और दाल तो पहले से बॉइल्ड है। अब मैंने इसको ढक दिया है। ढक के मैं 4-5 मिनट तक के पकने दूंगी। 4-5 मिनट बाद हम चेक करेंगे दाल रेडी है कि नहीं। यहाँ पे मैंने दाल को थोड़ा सा पतला रखा है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो जाता है, तो कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग करना। अगर आप ज़्यादा पतला पसंद करते हो तो थोड़ा सा और पानी डालना, अगर आपको गाढ़ी दाल पसंद है तो थोड़ा सा पानी की क्वांटिटी कम कर लेना। अब हमारा बहुत ही टेस्टी तुरई दाल बन के रेडी है। मैंने इसमें डाला है कस्तूरी मेथी। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा धनिया पत्ती। धनिया पत्ती डाल के एक बार मिक्स करके मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया, 1-2 मिनट तक ढक के रख दिया है। उसके बाद मैं इसे कर रही हूँ सर्व। ये जीरा राइस हो या स्टीम राइस, सभी के साथ बहुत अच्छा लगता है। अब आप भी इसे बनाइए। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।